सबसे पहले तो मैं हर एक नागरिक को, देशवासी को 75th इंडिपेंडेंस डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये जो आज़ादी का महोत्सव है, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज का जो यूथ है वो उसका आज़ादी का मतलब भूल चुका है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए, हमारे जो पूर्वज हुए, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी देश के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए अपनी जान तक दे दी। उनमें वो एक जज्बा, एक रोष था कि हमारा देश, हमारा प्यारा देश हमारा है और इसके ऊपर कोई और रूल नहीं कर सकता। लेकिन आज का जो यूथ है वो खुद ही अपने आप में इंस्लेव होता जा रहा है, वो आज़ादी का मतलब भूल चुका है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा एक वो है, ड्राइव है, जिसके थ्रू वो ये यूथ में एक फिर से जागरूकता लाने चाह रहे हैं दैट यू नो यू लर्न टू रिस्पेक्ट योर नेशन। आप अपने देश की, अपनी भारत माता की, अपनी आज़ादी की महत्वता को समझें। और ये जो 3 दिन के लिए हम तिरंगा लहराएंगे अपने घरों पे, उसकी महत्वता समझें। हमारा तिरंगा सबसे प्यारा। धन्यवाद। तो किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं आपके द्वारा? हमारे बच्चों को भी बोला गया है। पहले तो आज हमारा एक बहुत ही कलरफुल, बहुत ही एक एनर्जेटिक इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चों को हमने कहा है उसका, अपने आज़ादी का, अपने देश की प्रेम की तरफ प्रति उनकी जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। एंड वी हैव टोल्ड देम टू फर्ल द फ्लैग्स इन देयर हाउसेस। अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट करें, अपने तिरंगा की रिस्पेक्ट करें। बच्चों में देशभक्ति दिखाने के लिए क्या किया गया? देखिए, हमारा तो मेरे ख्याल से पूरे हफ्ते ही हमने कुछ ना कुछ हमारा चलता रहा है। बच्चों ने एक बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक दिखाया पूरे स्कूल के बच्चों को, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आज बच्चे जो हैं, आज का जो यूथ है वो अपने आप में ही गुलाम होता चला जा रहा है अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू, जैसे मोबाइल हो गया, सब्सटेंस कंजम्पशन हो गया, उसके अंदर जो ईगो है, जो रोष है। सो एक तो उनमें ये अवेयरनेस लाई गई कि हम अपने आप को गलत राह पे लेके जा रहे हैं। हमारी आज़ाद जो देश है उसके कुछ पीछे बहुत इम्पॉर्टेंट मकसद से कि आप अपने देश को आगे बढ़ाएं। लर्न टू रिस्पेक्ट योर नेशन एंड लर्न टू अबाइड बाय द नॉर्म्स ऑफ द कंट्री। बस मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी एक सबसे निवेदन है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को एक दिशा दिखाएं। आज का जो यूथ है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे मोबाइल हो गए, कंप्यूटर्स हो गए और सब्सटेंस कंसम्पशन हो गया, साथ में ही एग्रेशन हो गया, लड़ाई झगड़ों में बहुत डूबता चला जा रहा है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द सिटीजंस, टू ऑल द टीचर्स दैट प्लीज़ ट्राई टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू टेक द राइट पाथ।